वेलकम गाइस, बैंडी टू प्रयागराज में मैं आशीष मित्रा आपका स्वागत करता हूं। गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात किया था डेटा कम्युनिकेशन के बारे में कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है और जो हमारा डेटा होता है वो डेटा कितने तरह के होते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था एनालॉग डेटा और डिजिटल डेटा। उसके बाद हमने उसके ट्रांसमिशन को देखा था कि डेटा जो हमारा सेंडर टू रिसीवर ट्रांसमिट होता है वो कैसे होता है, तो उसके भी मैं हमने दो मेथड देखे थे, एक पैरेलल मेथड देखा था और दूसरा सीरियल मेथड देखा। पैरेलल मेथड में हम लोगों ने बात की थी कि जो डेटा बिट्स हैं, जो हमारा डेटा पैकेट है जो बिट्स के फॉर्म में चलते हैं, वो डेटा पैकेट एक समय में सब पूरा का पूरा पैकेट रिसीवर तक पहुंच जाता है, ये तो पैरेलल की बात की थी। और सीरियल में जब हम आए थे तो सीरियल में हमने आपको बताया कि जो डेटा पैकेट है वो बिट वाइज ट्रांसफ़र होता है, यानी एक समय में एक बिट डेटा ही ट्रांसफ़र होता है। तो गाइस, उसी की कड़ी में हम लोग आज इस पे बात करेंगे इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइनिंग के डेटा ट्रांसमिशन मोड पे। गाइस, ये सीरियल डेटा ट्रांसमिशन से लिंक्ड है, इसलिए हमने लास्ट में सीरियल पढ़ाया था ताकि इसको कनेक्ट कर सके। तो सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के दो मोड हैं। पहला मोड आपका है डेटा ट्रांसमिशन का, वो है असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। असिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन मोड, इसका शॉर्ट फॉर्म है एटीएम। एटीएम मशीन आप लोग मत समझिएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये अपना अलग है। ये है असिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन मोड। दूसरी है, जो दूसरा मोड है इसका, वो है सिंक्रोनस। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड। तो गाइस, यहां पे जो हमारा डेटा सीरियल में, सीरियल ट्रांसमिशन सिस्टम में जो हमारा डेटा है वो दो मोड से ट्रेवल करता है, एक है असिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड और दूसरा है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड। तो सबसे पहले गाइस हम लोग बात करेंगे असिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड पे। तो चलिए हम लोग यहां पे बात करते हैं असिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड क्या होता है। तो गाइस, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं, एक फिगर बनाते हैं हम लोग। ये हमारा सेंडर है और दूसरा यहां पे हमारा रिसीवर है। तो गाइस, सेंडर और रिसीवर, सेंडर कोई डेटा पैकेट सेंड कर रहा है, हम एक डेटा पैकेट्स बना लेते हैं। ये हमारे दो डेटा पैकेट्स हैं, 010101011। गाइस, अब ये हमारा डेटा पैकेट्स है जो सेंडर टू रिसीवर किसी चैनल या किसी मीडियम के थ्रू ट्रांसफर हो। यहाँ पे देखिएगा, अभी तो हम फिर जनरल एक बना रहे हैं 01101। इस तरह से हमारा डेटा ट्रेवल कर रहा है, सेंडर टू रिसीवर पहुँच रहा है। अब दो डेटा पैकेट्स बने हुए, तो असिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड क्या कहता है? असिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड कहता है कि जो हमारा डेटा पैकेट्स हैं,
जो डेटा पैकेट्स हमारे सेंडर से रिसीवर की ओर ट्रांसफर हो रहे हैं वो डेटा पैकेट इट यूज टू स्ट्रैबिक। कहने का मतलब है कि जो पैकेट बना हुआ है उसमें दो स्ट्रैबिक यूज किए जाते हैं। ठीक गाइस, पहली चीज यह ध्यान में रखिएगा कि इट यूज अ टू स्ट्रैबिक। असिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड एक ऐसा मोड है जिसमें दो स्ट्रैबिक यूज करता है और दो पैकेट्स के बीच में टाइम डिफरेंस होता है। बिटवीन टू पैकेट अ टाइम डिफरेंस, फार टाइम डिफरेंस होता है जिसको आप टाइम डिले बोलते हो। ये दो स्ट्रैबिक क्यों लेता है इसका भी हम बताते हैं कारण क्या है। ठीक, उसके बाद इनके बीच में टाइम गैप होता है, टाइम इंटरवल होता है, तब जाके डेटा सेंड होता है, रिसीवर तक पहुंचता है। गाइस, ये दो स्ट्रैबिक क्यों लेता है इसका ये रीजन है कि मान लीजिए हमने क्या वक्त लिखा था, हाउ आर यू, ये हमारा है। अब इसका कोई डेटा पैकेट्स बना, डेटा पैकेट्स हवा में ट्रेवल कर रहा है या कोई फिजिकल मीडियम से ट्रेवल कर रहा है, दोनों माध्यम है। आगे हम लोग जब मीडियम पे चर्चा करेंगे कि सिर्फ दो माध्यम ही हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें एक फिजिकल मीडियम पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे एयर मीडियम या गाइडेड अनगाइडेड। ठीक है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे। लेकिन यहाँ पे जैसे ये डेटा पैकेट्स, मान लो कि इनका कोई पैकेट्स बना, अब सेंडर से रिसीवर तक जो जा रहा है डेटा, तो कोई ना कोई डेटा का आइडेंटिफिकेशन होगा। क्यों, अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा तो जो डेटा जैसे ऐसे लिखा है, अब ये इधर से गया तो हमें नहीं पता है कि किसके बाद कौन सा डेटा जाएगा। ठीक, अगर ये डेटा पैकेट स्किप का कोई अगर आइडेंटिफिकेशन ना हो किस पैकेट के बाद कौन सा पैकेट है, तो वहां पे डेटा की सिक्योरिटी क्या हो जाएगी, लेस हो सकता है। संभवतः कुछ ये दूसरा मैसेज पहुंच जाए, ऐसी संभावना भी बन सकती है कि इसकी जगह आपका मैसेज ये पहुंच गया। ठीक, तो इट यूज स्ट्रैबिक, जो दो स्ट्रैबिक यूज करता है, दो ब्लैंक उसको कहते हैं, एक को बोलते हैं एमएसबी और दूसरे को बोलते हैं एलएसबी। सेम कंडीशन यहां पे भी होगी, एक होगा आपका एमएसबी और दूसरा होगा एलएसबी। तो गाइस, ये दो स्ट्रैबिक यूज कर रहा है, एक एमएसबी और दूसरा एलएसबी। हर पैकेट का एलएसबी दूसरे पैकेट के एमएसबी से जुड़ा होता है। मान लीजिए हाउ का डेटा है तो इसका एमएसबी, मान लो ये आर का पैकेट है तो इसके एलएसबी से जुड़ा होगा। तो इसी से डेटा का आइडेंटिफिकेशन होता है, यानी डेटा की पहचान होती है दोस्तों कि इस डेटा के बाद ये डेटा है। तो इससे क्या है कि हमारे डेटा की सिक्योरिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब गाइस, इसमें ध्यान देना कि जो दो स्ट्रैबिक यूज कर रहा है तो दो स्ट्रैबिक ट्रांसफर भी करेगा। जब ट्रांसफर करेगा तो इनके बीच का टाइम कंजम्पशन जो होगा, टाइम कंज्यूम करेगा, ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, तो ये डेटा क्या हो जाएगा, डेटा ट्रांसमिशन आपका स्लो हो जाएगा। डेटा स्लो, सिक्योरिटी बढ़ी। तो गाइस, यहां पे एलएसबी और एमएसबी कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो हम आपको बता दें एमएसबी का फुल फॉर्म होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और एलएसबी का नाम है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक, तो गाइस ये है आपका टाइम डिले। ठीक, तो याद रखना असिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड एक ऐसा ट्रांसमिशन मोड है जो कि दो स्ट्रैबिक यूज करता है। इट यूज टू स्ट्रैबिक एलएसबी एंड एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेटा पैकेट।
डेटा पैकेट के आइडेंटिफिकेशन के लिए 2 स्ट्राबिट यूज करता है। जब ये 2 स्ट्राबिट यूज करेगा तो रिसीवर तक डेटा आपका थोड़ा स्लो जाएगा इन कंपेरिजन ऑफ अदर। यहाँ पे 2 पैकेट को भेजने के लिए 4 स्ट्राबिट यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ इनके बीच में एक टाइम गैप होता है, 2 पैकेट के बीच में टाइम गैप होता है जिसको टाइम डिले आप लोग बोलते हो, टाइम डिले बोलते हैं। तो वो टाइम लगने के कारण यहाँ पे आपका क्या है, डेटा स्लो है और डेटा की सिक्योरिटी ज़्यादा है, इसी को कहते हैं असिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड। तो गाइस सिंक्रोनस असिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, विद क्लियर अगर आप समझा सकते हैं तो आप समझा सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके सेकेंड पार्ट में जिसका नाम है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग देखते हैं कि डेटा ट्रांसमिशन मोड में जो दूसरा पार्ट है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड। तो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड में दोस्तों क्या होता है कि सेंडर टू रिसीवर जो डेटा हमारा ट्रांसमिट होता है, जो हमारा डेटा शेयर होता है, उसका एक पैकेट उसको सिंक्रोनाइज कर दिया जाता है सेंडर टू रिसीवर तक। यहाँ पे कोई टाइम पीरियड सेट नहीं होता, जैसे हम लोगों ने उसमें देखा था एक टाइम डिले था, टाइम गैप था 2 पैकेट्स के बीच में। यहाँ पे जो डेटा पैकेट्स हैं उनको सिंक्रोनाइज कर दिया जाता है। देखो जैसा कि हमने यहाँ पे एक पूरे के पूरा पैकेट एक सेगमेंट ही दिखा दिया है, मान लो कि ये यहाँ तक ये पहला पैकेट है, यहाँ तक दूसरा पैकेट है और ये तीसरा पैकेट है। तो इस तरह से अगर 3 पैकेट्स हैं तो जरूरी नहीं है, यहाँ पे हमें नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा पैकेट पहला पैकेट था, ये तो हमने अज्यूम कर लिया, मान लिया कि पहला पैकेट यही होगा, दूसरा पैकेट यही होगा, तीसरा पैकेट यही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड होता है उस ट्रांसमिशन मोड में सेंडर और रिसीवर दोनों के द्वारा जो भी सेंड करता हो, मैंने बताया था ना कम्युनिकेशन प्रोसेस बाय दोनों साइड से हो सकती है, बोथ साइड से, तो इनके द्वारा क्या किया जाता है, डेटा को सिंक्रोनाइज कर दिया जाता है। और जैसे कि वहां पे स्टार्ट और एंड था, जैसे हमने 2 यूज किए थे असिंक्रोनस में LSB और MSB यूज किया था, मैंने कहा था कि ये आइडेंटिफिकेशन, यानी एक को स्टार्ट बिट भी बोलते हैं और दूसरे को एंड बिट भी कहते हैं, कि जहां से दूसरे का एंड बिट होगा, यानी जहां पे MSB होगा दूसरे की स्टार्ट बिट, यानी सॉरी जो MSB होगा जहां से उसका स्टार्ट बिट होगा तो दूसरे का LSB होगा यानी एंड बिट होगा। तो उनका कोई टाइम पीरियड नहीं था बल्कि टाइम डिले था, उसमें टाइम गैप था और उनमें 2 स्ट्राबिट यूज कर लिए गए थे। लेकिन यहाँ सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड में क्या होता है कि पूरे के पूरे इस टाइम पीरियड पहले के पहले ही सेट कर लिया जाता है सेंडर और रिसीवर में, डेटा ट्रांसमिट करने के पहले एक टाइम इंटरवल सेट कर लिया जाता है, पूरे के पूरा डेटा को आपको क्या कर दिया जाता है, सिंक्रोनाइज कर दिया जाता है। सिंक्रोनाइज करने के बाद जो हमारा डेटा होता है उनको कंटिन्यूअस सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाता है। गाइज यहाँ पे ध्यान देना, जो डेटा पैकेट्स है वो सिग्नल्स के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, यानी डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में चेंज करके और इनके बीच जो उनकी टाइम पीरियड जो सेट किया रहता है उसके द्वारा डेटा का पहचान हो। तो पहली चीज इसमें क्या फायदा हुआ कि ये स्ट्राबिट नहीं ले रहा है, अगर ये स्ट्राबिट लेता है असिंक्रोनस की तरह तो 6 बिट इसको स्ट्रा ट्रांसफर करने पर, जब ये स्ट्राबिट नहीं यूज किया तो इसका जो माध्यम था ट्रांसमिशन जो था वो फास्ट हो गया, ठीक। तो यहाँ ट्रांसमिशन क्या हो गया आपका, फास्ट हो गया। और जब ट्रांसमिशन फास्ट हो गया तो थोड़ी सी इसकी सिक्योरिटी क्या हो गई, लेस हो गई, ठीक। तो गाइस असिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड आपका कहता है कि इट अवॉइड 2 स्ट्राबिट, ये 2 स्ट्राबिट को अवॉइड करता है, इनके बीच में कोई टाइम गैप नहीं होता बल्कि एक टाइम पीरियड सेट कर लिया जाता है सेंडर और रिसीवर के द्वारा, ठीक, और उन डेटा पैकेट्स को कंटिन्यूअस सिग्नल्स के फॉर्म में भेजा जाता है, ठीक। तो गाइस ये था आपका ओवरऑल
डेटा ट्रांसमिशन मोड, जो कि हम सीरियल ट्रांसमिशन में पढ़ते हैं। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम्स आती हैं डेटा ट्रांसमिशन मोड में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जहां पे इसकी लिंक आपको हम लिख दे रहे हैं www.bindingtube.in। आप इस पे कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्टली आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं 9140722802 या 9580779451। थैंक यू गाइस।